बड़ी खबर इस वक्त आ रही काबुल एयरपोर्ट पर, लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों के बीच खौफ का मंजर नजर आ रहा है। प्लेन में सवार होने के लिए लोगों के बीच हिंसक झड़प। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों के बीच खौफ का मंजर नजर आ रहा है। प्लेन में सवार होने के लिए लोगों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। तो इस वक्त लोग किसी भी हालत में काबुल छोड़कर निकल जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, और इसीलिए एयरपोर्ट पर इस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कितनी दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर है। C-17 ग्लोब मास्टर के साथ साथ रनवे पर भाग रहे हैं लोग, और आप देख सकते हैं इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो उसके जो विंग है उस पर भी आपको वहां पर लोग बैठे हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक है, दिल को दहला देने वाली तस्वीर है जो आज अफगानिस्तान से सारी दुनिया देख रही है। एक ग्लोब मास्टर है जो कि रनवे पर चल रहा है और उसके पीछे पीछे भागते हुए अफगानी नागरिक हैं, और ये बेहद तकलीफ देने वाली तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो विंग है ग्लोब मास्टर का, उसके पंखों पर भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमने देखा कि किस तरह से ये जब टेक ऑफ कर गया तो कुछ लोग नीचे गिर के मर भी गए। तो ये तस्वीरें जो हैं पूरी दुनिया को दहला देने वाली तस्वीरें हैं, जो कि अफगानिस्तान त्रासदी की हर हकीकत को इस वक्त ये तस्वीर बयां कर रही है, और इस त्रासदी के बारे में बता रही है कि किस तरह से लोग अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, तालिबान के खौफ से निकलना चाहते हैं। और इससे जुड़ी हुई एक और आपको बड़ी खबर बता दें, अफगानिस्तान में सामने आई सबसे दर्दनाक तस्वीर। अफगानिस्तान में प्लेन से गिरते लोग नजर आ रहे। तो आपने देखा उड़ते प्लेन से गिरकर 3 लोगों की मौत हो गई, प्लेन के विंग में छिपे थे 3 लोग। तो ये सबसे दर्दनाक तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है कि किस तरह से प्लेन के विंग में जो लोग छिपे थे वो 3 गिर गए, और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोब मास्टर के विंग पर लोग छुप गए थे, उसके पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया ऊंचाई से लोग नीचे जमीन पर गिर पड़े। तो ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लोग आगे आगे दौड़ रहे हैं, साथ ही साथ जो विंग है प्लेन के उस पर भी लोग बैठ गए हैं, और उसके बाद जब टेक ऑफ किया प्लेन ने तो ये लोग जमीन पर आ गए। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये वो तस्वीरें हैं, वो एक डर जो मन में कहीं छिपा बैठा था, वो डर तालिबान के वापस आते ही दमन और अत्याचार का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और अब अफगानिस्तान को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। वो सच साबित होने लगा है, वो डर जो लोगों के मन में अब तक बना हुआ था। मगर आप समझ सकते हैं 20 साल बाद ये तस्वीर सामने आ रही है। अमेरिकी और उसके साथी सेनाओं का भी अफगानिस्तान से पूरा नियंत्रण खत्म हो चुका है, और अब तालिबान का राज आ चुका है। हिंसा लगातार जारी है, और आज हम सबके सामने ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि तालिबान का कब्जा, जिसके बाद लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकलने की होड़, जिंदगी बचाने के लिए जिंदगी दांव पर लगाते हुए आपको लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मानिए कोई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चल रही हो और उसमें पीछे से चढ़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये प्लेन है, प्लेन से आपको जाना है, तो जाहिर है कि आप ऐसे नहीं चढ़ सकते। ये देखिए, आप तस्वीरों को देखिए, ऊपर चढ़ने की कोशिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं भी बस जगह मिल जाए, हमको अफगानिस्तान की जमीन से छुटकारा मिल जाए। आप तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही दे रही है कि अफगानिस्तान में बहुत बड़ी क्रूरता की तस्वीर सामने आ चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, ग्लोब मास्टर रनवे पर चल रहा है और उसके पीछे पीछे भागते हुए अफगानी नागरिक हैं जो कि यहां से निकल जाना चाहते हैं, काबुल से निकल जाना चाहते हैं। 2001 के बाद अमेरिका ने यहां दखलंदाजी शुरू की थी, अमेरिकी सेना भेजी थी, और लगभग 20 साल के बाद यहां से निकल रहे हैं ग्लोब मास्टर के साथ। ये आखिरी एवैक्यूएशन जो है ये शुरू हो चुका है, और इसके पीछे भागते हुए ये अफगानी नागरिक हैं जो छोड़ना चाहते हैं काबुल की जमीन को, क्योंकि उन्हें पता है तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हो चुका है। तालिबान जिस तरह के कानून लागू करता है, तालिबान जिस तरह से पूरी आदमी की आज़ादी को बंधक बना लेता है, इसे अच्छी तरह से हर अफगान नागरिक जानता है, क्योंकि जब तालिबान का पहला कार्यकाल था, जब तालिबान पहले कब्जा करके था उसका अफगानिस्तान में, तब सबने वो खौफनाक तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से लोगों की बीच चौराहे में हत्या कर दी जाती थी, किस तरह से फांसी पर लटका दिया जाता था बीच चौराहे में, किस तरह से क्रूर तालिबानी सजाएं दी जाती थी, और उसी जो पूरा का पूरा जो खौफ है वो इन तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया के सामने इस वक्त नजर आ रहा है। और सिर्फ ये एक तस्वीर काफ़ी है
इस वक्त पूरे अफगानिस्तान की हालात को बताने की ये एक तस्वीर काफी है तालिबान के खौफ को समझाने के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किसी भी तरह यहां से निकलना चाहते हैं। ये देखिए बेहद ही दहला देने वाली तस्वीर है और पूरी दुनिया में जो भी इस वक्त इन तस्वीरों को देख रहा होगा वो इस दर्द को समझ सकता है, वो तालिबान के इस खौफ को समझ सकता है कि कैसे लोग यहां से निकलना चाहते हैं। बेहद दर्दनाक तस्वीर। ये ग्लोब मास्टर जो कि अमेरिका ने यहां भेजा है अपने जो बाकी बचे हुए लोग हैं उन्हें वहां से निकालने के लिए।